ले जाओ जी, सब ले जाओ। अपने अपने अपनी अपनी जिंदगियां इस घर तो इस कांत मेंशन तो बाहर ले जाओ। जाओ सब अलग अलग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। और कितना अलग होऊंगा मैं? बाबूजी, मैंने क्या गलत किया है? मैं क्यों अलग रहूं? अभी नहीं की तूने कोई अलग होने वाली बात, आगे किसको पता किसके चलते तेरे मन में वो वाली बात भी आ जाए। ऐसे कैसे जाए हम लोग डैडी जी? कपकेक ने आपकी बिजनेस में इतनी मेहनत की है, आपकी कितनी हेल्प की है, तो उसे भी कुछ मिलना चाहिए ना। आई मीन उसका भी कुछ हक बनता है। और मेरे ज्ञान ने भी शान और ध्यान की गैर मौजूदगी में सब कुछ अकेले संभाला है, उसे भी तो अपना हक मिलना चाहिए। वाह पुत्र जी वाह, देखा सुरीली, तेरी बहुओं ने तो मेरी बात पर सच्चाई की मुहर लगा दी। हिस्सा चाहिए ना? कोई गल नहीं, मिलेगा, पूरा हिस्सा मिलेगा। एक काम करो, इस घर में जितनी छोटी वड्डी सब चीजें है ना, वो ले आओ एक साथ हॉल में, सबको सबका हिस्सा मिलेगा। अमरीश, आज तो सुरीली भी कुछ नहीं बोलेगी, अब होएगा जी कांत परिवार का असली बंटवारा। लो जी, आज तक आपके माँ बाबू जी ने जो कुछ भी कमाया है ना, वो सब कुछ इधर रखा हुआ है जी। एक एक करके आओ, अपनी औकात के हिसाब से जो जो बनता है लेके जाओ। ओए ओए। भाई यही चाहते थे ना सब लोग, यही थी ना सबकी मन मर्जियां है जी। किसी को अपना अलग घर लेना था, तो किसी ने बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी बढ़वानी थी चुपचाप। आज मैं सामने से होके ऑफर दे रहा हूँ, आ जाओ। हम कुछ बोले या तुम अकेले सब हैंडल करोगे? क्यों है? अकेले मैंने कोई गड़बड़ कर दी? ठीक से हैंडल नहीं कर रहा हूं। ओ मतलब इतना बड़ा सौदा है, इस करके मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए, इंग्लिश में बोलो। चलो जी चलो, लेट देन का हिसाब करने के बाद, व्यवहार खत्म होने के बाद मन में कोई गिला कोई शिकवा नहीं रहेगा। सच क्या, अपना अपना हिस्सा ले जाओ, अपना अपना घर बसाओ। पापा आप थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इतना तो एक टीवी सीरियल में भी नहीं होता। यस सुरीली, ओए अब इस दुनिया में अछूते इमोशन बच्चे ही किधर है भाई? सब पे फिल्मा बन गई हैं, सब पे सीरियल बन गए हैं। आज के कल युग में सारे बंदे हो गए ने प्रैक्टिकल। कल से बंटवारे के बाद सारे प्रैक्टिकल हो जाने। अमरीश लेकिन इतने भी प्रैक्टिकल मत बनो कि हम दोनों प्रैक्टिकली रास्ते पे आ जाएं। देखो हम हमेशा ये चाहते थे कि हमारे तीनों बच्चे एक छत नीचे रहे, और बस इसी वजह से हम इन तीनों बहुओं को इतने सालों से सह रहे हैं। अब प्लीज ये सब करके हमारी इतने सालों की मेहनत बर्बाद मत करो। तेरी इन चार लाइनों का असर देख उनकी शक्ल पे, सारे बंदों की शक्लें हिल गई है भाई। ओ ना जी सुरीली, अब कह दिया सो कह दिया, ओए बंटवारा तो होके रहेगा।
Switch off bi mode. Behave like normal, Rajni. This is my command. Come on, accept it. Rajni, family is very sad. Sad. It's very bad. Yes. चल आज ध्यान आ जा पुत्र, शाबाश। बगावत भी तुझसे शुरू हुई थी ना, इस बंटवारे की शुरुआत भी तेरे से ही होगी आज। अरे पर कांत परिवार में बड़े भाई तो ज्ञान है, शुरुआत इनसे होनी चाहिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है पुत्र, अमरीश कांत के पास इतना है कि दूसरे को भी उससे काम नहीं मिलेगा। चिंता की कोई गाल नहीं है। आजा आजा पुत्र, शाबाश, आजा आजा आजा। कपकेक क्या लोगे तुम? देखो घर में सबसे महंगी चीज ले लेना, बिजनेस ले लेना या पूरा घर ले लेना या फिर दोनों भी चलेगा। प्लीज जाओ। ओह गॉड, क्या लेने वाला है ये? बंगला मत लेके जाना। बाबूजी, मैं ये फैसला नहीं ले सकता। क्या तुम तो क्या बोल रहे हो? प्लीज जल्दी जाओ वरना मैं की वापस ले लेके जाओ ना, प्लीज। कोई नहीं पता तो तेरा कोई नुमाइंदा भेज दे इस ओर, की फर्क पड़ता है? कोई गल है कपकेक, तुम्हारी जगह मैं चली जाऊंगी, मुझे जो चाहिए वो सब ले लूंगी, ये सब ले लूंगी मैं चली जाती हूं तुम्हारी जगह। बाबूजी मैं चाहता हूं कि ये फैसला मेरी जगह ये फैसला मेरी जगह रजनी भाभी लेंगी। व्हाट? शट अप। शर्मिला से तो बेटर है। क्या भाभी आप मेरी हेल्प करेंगी? मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक ये सारा सामान, बिजनेस और प्रॉपर्टी की कीमत 432,18,24,000 तक की होगी। वो हो वो, मिस हरिया भट्टा, वेरी प्रिसाइज। यस रजनी, प्रॉपर्टी हमारी, हमको पता है। ओके तुम प्लीज ध्यान के लिए जो सिलेक्ट करना चाहती हो करो। ये बोलो ना क्या लेने वाली हो, सस्पेंस मत रखो। रजनी हमें चेयर नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना कभी, बहुत बड़ा डिसीजन। रजनी मत तो चेयर, हमें बाकी सब चाहिए, बाकी सब। ओह अच्छा जी, ये सिंगर चाहिए पुत्र जी। लो जी ये सिंहासन आपका हुआ।
तुम्हारे लिए इस घर की सबसे कीमती चीज चुन ली है। क्या रजनी, क्या चुना है? मैंने इन्हें चुना है। डैडी जी, रजनी बहुत कंफ्यूज्ड हो गई है। उसे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। ध्यान की जगह मैं सेलेक्ट कर लूं, हाँ? प्लीज। नहीं पुत्र, ये ध्यान का फैसला है और ध्यान को ही लेना पड़ेगा। चल भाई, सुना अपना फैसला ध्यान। तो कुछ बोलो, कपकेक, कुछ बोलो प्लीज। बाबूजी, जो रजनी भाभी ने मेरे लिए सेलेक्ट किया है, मुझे वही चाहिए। यही है राइट चॉइस बाबू। आहा, जब मम्मी जी और बाबूजी ने आप तीनों को एक जैसा प्यार किया, उसमें कभी कोई बंटवारा नहीं किया, तो फिर आप लोग बंटवारा कैसे कर सकते हैं? I'm so proud of you. And you. And proud of me. So self-obsessed. तो लेके आ गया इसको यार। तू लैब में बनाया ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए? लैब में बनाया? तेरी माँ को इतने साल घर में रख के मैं ठीक से नहीं बना पाया। और बीवियां लैब में नहीं बनती होती, बेवकूफ साइंटिस्ट ना होते। लैब में बनाया। बाबूजी, जो चीजें पड़ी उनकी कीमत है, लेकिन आपके प्यार, आशीर्वाद और साई की कोई कीमत नहीं लगा सकता। हम लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है कि अनमोल चीजों को छोड़कर मोल वाली चीजों को चूज कर। करेक्ट। इतना बिजनेस तो मुझे भी आता है, मतलब अगर आप मुझे ये डील करने को कहते तो इसमें तो मैं भी प्रॉफिट ला सकता था। बाबूजी, थप्पड़ खाने के लायक ही। आप चाहिए तो मुझे 10 थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी, मुझे तो वैसे ही कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो सिर्फ माँ चाहिए, माँ और आप हम दोनों चाहिए थे। चाहिए तो मुझे भी थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन हम छोड़ के नहीं जाएंगे आपको। हाँ, इन दोनों को थप्पड़ मार लीजिए, मुझे नहीं मारना। बिकॉज इफ इट हिट्स द फ्रंटल लोब तो मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन करो, मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन। आ जाओ, तुम लोग भी घेरे के बाहर क्यों खड़े हो? तुम भी अपने वहां जाओ। बताओ, माई किसके हिस्से में आएगी? कोई मेरे को बताएगा प्लीज।
अजबर यार तू भी आ जा, अब टायर फटा हुआ तो क्या हुआ, गाड़ी तो अपनी है ना। जब रिश्ते अपनी जगह पर वापस आ गए ना तो ये सारा सामान भी अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दो। चलो ओहो ये लाइन भी मिटानी है। ओ यस प्लीज। हाँ भाई हाँ। और जब रिश्तों में कोई दरारें नहीं रही तो इस अमरीश रेखा का क्या काम? इस अमरीश कांत ने इस अमरीश रेखा को बढ़ाया था, अब अमरीश कांत इस अमरीश रेखा को मिटाएगा भी। गुड नाइस थैंक यू। आज तुमने एक बहुत ही इमोशनल डिसीजन लिया। मुझ में इमोशंस नहीं है और ये डिसीजन इमोशनल नहीं, लॉजिकल था। हमारे हर सवाल का उल्टा जवाब देना जरूरी है रजनी। अगर सवाल का जवाब आता हो तो जवाब जरूर देना चाहिए, और मुझे हर सवाल का जवाब पता है। आई क्विट। पिलो मेरा क्वीन चंदर, आई मिस यू सो मच। मैं तुम लोग को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, नेवर, कभी नहीं जाऊंगा। शान, हाँ, आप मेरी अरेंजमेंट क्यों बिगाड़ रहे हो? अरे रजनी, आज ये लोग भी मेरी तरह आजाद हैं, एकदम फ्री, और इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। हमें एंजॉय करने दो ये आजादी की। थैंक यू परेशान। नो रजनी, थैंक यू, तुमने तो आज कमाल कर दिया। क्या डायलॉग मारे तुमने, दिल खुश कर देता। ओह माय गॉड, आई मीन मैं इन्हें चुनती हूँ। वाओ रजनी, तुमने हमारे इमोशंस हमसे बेटर पोर्ट्रे किए हैं। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि तुम ह्यूमन रिलेशंस ह्यूमन से बेटर समझने लगी हो। तुम बिल्कुल इंसानों जैसी बनती जा रही हो, मजा आ गया। इसका क्रेडिट आपको जाता है, यू आर माय क्रिएटर। अरे यार, लाइफ में पहली बार मैं किसी और को क्रेडिट दे रहा हूँ, ले लो ना। इतना हम्बल होके क्या तुम्हें नोबेल प्राइज मिलने वाला है? ओके शान, कंटिन्यू। ओके सिट। आज जो तुमने इस घर को जोड़ा है ना, वो तो बहुत महान इंसान भी नहीं कर पाते। और महान तो क्या, तुम तो इंसान भी नहीं। अगर मैं किसी असली लड़की से भी शादी करता ना, तो भी शायद वो बंटवारे का फायदा उठाती, ग्रीडी हो जाती और पापा से बंगलो या ज्वेलरी या गाड़ी, पता नहीं क्या क्या मांग लेती। लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। मॉम डैड को चूज करके ये प्रूफ कर दिया कि इस धरती पे पेरेंट्स आर नेक्स्ट टू गॉड। सो प्राउड ऑफ यू। बट आई एम नॉट प्राउड ऑफ यू। शेम शान, किसी भी लड़की के बारे में ऐसे नहीं सोचते। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने आज मेरा दिल खुश कर देता। आज तुम जो भी बोलोगी वो शान करेगा, कोई भी कमांड। हर कमांड मानेंगे? कोई भी कमांड। ओके देन, मेरे लॉजिक के हिसाब से हम किसिंग की इनिंग शुरू कर सकते हैं। ओ तो मैडम की सुई वहां अटकी हुई है। नो प्रॉब्लम, आज मैं अच्छे मूड में हूं। तो आज आपका ये कमांड भी एक्सेप्टेड। मैं सचमुच तुम्हें किस करने वाला हूं। आर यू रेडी? आई एम फुली चार्ज्ड। जय बाबा इमरान हाशमी।